रहेंगे यहाँ आप लोग। हाँ, जोर से बोलिएगा, कैसे लग रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादा है अपने यहाँ। हाँ, महिलाएं ज़्यादा है, ऐसा महसूस होता है कि पुरुषों को कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या है पूरे महिलाओं की है, है ना? अगर हमें कोई समस्या है, अगर हमें कोई ज़रूरत है, तभी तो हम कहीं जाते हैं, राइट? दुकान में अगर जाना है तो हमें कुछ लेने की, कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम दुकान में जाएंगे। कोर्ट कचहरी में कभी कुछ केसेस है तभी तो हम जाएंगे, है कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलिएगा। हाँ, हम रेलवे स्टेशन क्यों जाते हैं? हाँ, हमें कहीं अगर सफ़र करना हो, किसी को विजिट करना हो, किसी बाहर गांव जाना हो, तो हम ट्रेन पकड़ते हैं, अन्यथा हम ट्रेन रेलवे स्टेशन जाके नहीं बैठते हैं यूं ही। उसी तरह अगर प्रभु के सानिध्य में आना है तो हमारी कुछ ज़रूरतें होना ज़रूरी है, और ये लग रहा है मुझे कि हमारे पुरुष मंडली को ज़्यादा कुछ ज़रूरतें नहीं है, बल्कि महिलाओं को है। खैर, जो भी है, आज का सुसमाचार का केंद्र बिंदु, खैर केंद्र बिंदु हमेशा यीशु ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक महिला की कहानी का जिक्र किया गया है आज के सुसमाचार में। आप लोगों ने सुने होंगे, ध्यान दिए क्या मैंने जो पढ़ा? किसकी कहानी है? हाँ, एक सामारी स्त्री की कहानी है। एक सामारी स्त्री किस प्रकार पापमय जिंदगी से धीरे 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 प्रभु के सानिध्य में आती है, और प्रभु से, प्रभु के दर्शन पाने के बाद उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, यही आज के सुसमाचार में हमने सुना। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने तीन मुद्दा रखना चाहूँगा, तीन मुद्दा, ओके? देखिए, पहला मुद्दा यही है कि हमारे खोज में आने वाला प्रभु, हमारे खोज में आने वाला प्रभु। प्रभु ने पहली बार इंसान को जब रचा तो बाइबल साक्ष्य देता है कि वो अपने ही सदृश में, अपने प्रतिरूप में इंसान को रचा। हालेलुया। यानी कि आप, मैं, ये सिस्टर जी, ये गाने वाले, ये बच्चे, ये सब क्या है? हाँ, ईश्वर का प्रतिरूप है। आप में ईश्वर की छवि है, मुझ में है, ब्रदर पॉल में है, थॉमस पॉल में है, ये सिस्टर जी में है, हर किसी में, हर इंसान में ईश्वर की छवि है। द फेस ऑफ गॉड, प्रभु की छवि है हम सब में। लेकिन अफसोस की बात, हमने पाप किया और प्रभु के छवि को हमने विकृत कर दिया। विट्टाल करुण टाकले, नाश करुण टाकले, परत आम्हाला प्रभूचे प्रतिरूप प्राप्त करून देण्यासाठी पित्या परमेश्वराने आपल्या एकुलता एक पुत्राला या जगात पाठवले। यानी कि हम पाप, भले ही पाप करते हुए प्रभु से दूर जाए, लेकिन हमें प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। हमारे खोज में आने वाले एक प्रभु की कहानी हम बाइबल में देखते हैं। चलिए, लूक कृत शुभवर्तमान में हम यही देखते हैं कि 99 भेड़ों को पहाड़ में छोड़ते हुए भटकी हुई एक भेड़ के पीछे जाने वाला एक प्यारे पिता है हमारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग सोचेंगे, ये यहाँ इस कहानी में कहाँ है प्रभु की तलाश, कहाँ है प्रभु की खोज? मुझे बताइए, ये पूरा सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गांव गांव, शहर शहर घूमते थे, फिरते थे, और स्वर्गराज की घोषणा करते थे, पवित्र वचन की घोषणा करते थे। करते करते ये जगह पे आया जहां पे इस महिला के साथ यीशु की भेंट होती है। बाइबल हमें साक्ष्य देता है कि यीशु के 12 शिष्य थे। क्या ये जरूरी था कि किसी दुकान में 12 के 12 को छोड़ देने का? हाँ, समझिए, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपको दुकान से कुछ सामान लेना है, हाँ, तो आपके घर के सबके सबको आप जाने देते क्या, भेज देते क्या? लेकिन यहाँ यीशु अपने 12 शिष्यों को
दुकान में भेजता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम था कि पाप में जीने वाला एक व्यक्ति, जो कि महिला अक्सर सुबह या शाम को पानी खींचने के लिए आते हैं, है ना, पानी खींचने के लिए कुएं के पास महिलाएं सुबह या शाम को जाते हैं। आपके एक सोशल नेटवर्क है पुराने जमाने के, अभी पूरा मोबाइल हो गया, लेकिन पुराने जमाने के लोगों के एक सोशल नेटवर्क था पानी खींचने के लिए, जो कुएं के पास जाना और वहाँ गप्पा गोष्ठी होते थे, गॉसिप चुगलियाँ होती थी भाई लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में। लेकिन ये महिला मात्र सबके नज़र चुराते हुए, क्योंकि वो पाप में जी रही थी, दूसरों के साथ दूसरों के सामने आने के लिए वो संकोच कर रही थी, अपने आप को बचाते हुए दोपहर के समय अकेली व्यक्ति कुएं के पास आती है। और प्रभु, सब कुछ जानने वाला प्रभु, हमारे अंतरतल की भावना जानने वाला प्रभु को मालूम था कि एक व्यक्ति जो कि पाप में जीने वाली है, इस समय ये कुएं के पास आते हैं, आने वाली है, और उसका उद्धार करना ये प्रभु की इच्छा थी। इसलिए प्रभु कहते, मैं तरसता हूँ, मैं प्यासा हूँ। प्रभु की प्यास मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबकी आत्मा के लिए है, और ना केवल सब लोगों के एक साथ, लेकिन हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु को ख्याल है। देखिए, इस एक महिला को लेकर प्रभु कितने तत्पर है, और इसलिए प्रभु ने जानबूझकर अपने शिष्यों को गांव में भेज दिया, ताकि ये लेडी अपने पास आने के बाद फ्रीली बात कर सके, उसका उद्धार कर सके, किसी के सामने वो संकोच करने की जरूरत ना पड़े, उसकी बेइज्जती ना हो, बल्कि उसका उद्धार हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से प्यार करने वाला, हमारे ख्याल रखने वाला, हमें खोजने वाला, हमारे पीछे पीछे आने वाला एक प्रभु हमें है, एक प्रभु हमें है। और इसलिए उस प्रभु की आराधना करना, इसलिए उस प्रभु का जय जयकार करना, इसलिए उस प्रभु के लिए हमारे सब कुछ समर्पण करना, ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य और हमारे हित का है। हालेलुया, ये मेरा पहला मुद्दा है। हमें व्यक्तिगत रीति से पर्सनली हमें प्यार करने वाला, हमारे उद्धार करने के लिए तत्पर रहने वाला एक प्रभु है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। और उसी प्रभु ने आप लोगों को आज इस वचन मंदिर में बुलाए हैं, और इसलिए प्रभु का आभार मानिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और प्रभु के वचन तत्परता के साथ सुनिए, अपने जीवन में प्रभु के वचन को स्वीकार कीजिए, और उस वचन के अनुसार अपने आप को बदल डालिए। दूसरा मुद्दा देखिए, यहाँ पवित्र वचन कहता है कि यीशु से उसके वार्तालाप होता है। वो पूरा भाग हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यीशु से वार्तालाप करने के बाद जब इसको मालूम हुआ कि ये यीशु है जो मसीहा है, यीशु का जब इस व्यक्ति को दर्शन हुआ, तो उसने अपने सब कुछ वहाँ छोड़कर गांव की ओर भागी। घड़ा यानी घाघर, जो पानी लेने के लिए जो लाया था, वो सब वहीं छोड़े और गांव के तरफ भागे, ये बताने के लिए कि देखो मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है। इस प्रकार के एक दूसरा एक भाग हम देखते हैं लूक के, संत लूकस के सुसमाचार में, जहां जक्कई नामक एक व्यक्ति, जो कि एक नाकेदार था, लोगों के पास से अन्याय रीति से पैसा वसूल करता था, पाप में जी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक इच्छा निर्माण हुई कि यीशु कौन है, ये जरा देखूं। छोटे कद का था, टिंगू था वो, इसलिए यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, क्या किया उसने बताइए? हाँ, सामने भागा, जिस रास्ते से यीशु को जाना था उस रास्ते से थोड़ा सामने भागा। वहाँ एक गूलर का पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़कर बैठ गया, ये सोचते हुए कोई मुझे नहीं देखेगा, बल्कि मैं यीशु को देख सकता हूँ। प्यारों, जिस प्रकार की इच्छा से वो यीशु को देखने के लिए एक छोटी सी कदम उठाई, उसने एक कदम उठाई, और देखिए चमत्कार, यीशु 10 कदम उठाते हुए उसके पास आता है और कहते, जक्कई जल्दी नीचे आओ, आज मैं तेरे घर में ठहरने वाला हूं। हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हालेलुया।
जिस समय यीशु का आगमन उसके जीवन में हुआ, जिस वक्त यीशु का दर्शन उसको प्राप्त हुआ, मेरे प्यारों, उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित होता है। वो कहता है, आज तक मैंने जो भी अन्याय रीति से कमाया होगा उसका चौगुना मैं वापस देने के लिए तैयार हूं। जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु का दर्शन होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु प्रवेश करता है, यीशु का आगमन होता है, वो व्यक्ति जैसे पहले था वैसे नहीं रहता, उसका जीवन परिवर्तित होता है। मुझे बताइए, समझिए, आपने मुझसे 100 रुपया ले लिए अन्याय रीति से, समझिए, ये का क्या कहता है कि आधा द्रव्य में यूं ही दे देता, यानी 50 रुपये यूं ही गरीबों को दे देता, और अगर किसी से मैंने अन्याय रीति से लिया हो तो उसको चौगुना वापस दे देता, फिर इसके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन उसने सबसे बड़ी संपत्ति पाया है जो स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है, और इसलिए इस दुनिया के संपत्ति को वो किसी महत्व नहीं देता। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के हमारे सुसमाचार का दूसरा मुद्दा यही है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हमें प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है, हमारे जीवन परिवर्तित होते हैं। हम दुनिया के सब कुछ, अभी तक हमें बहुत सारे चिंता है, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो रहा है, हमारे जो कर्ज है वो फिट नहीं रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, नहीं तो लड़कियों की ये चिंता है, मैं उतने सुंदर नहीं हूँ, हाँ मुझे कोई लड़के नहीं देखेंगे, मेरी शादी नहीं होगी, दुनिया भर की चिंता झेल कर हम चलते हैं। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो हमारी सारी चिंता यूं ही नष्ट हो जाएगा, हम प्रभु में परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने बड़े प्यार से आप लोगों को बुलाया है, बड़े प्यार से आप लोगों को बुलाया है। उस प्रभु के दर्शन लेने के लिए अपने आप को समर्पित करो, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि हमें व्यक्तिगत रीति से हमारे ख्याल करने वाला, हमारे खोज में हमारे पीछे पीछे आने वाला एक प्यारा प्रभु हमें प्राप्त है। तीसरा मुद्दा, प्रभु का दर्शन मिलने के बाद यूं ही घर में बैठे रहना नहीं जमेगा। जमता क्या? जमता क्या? जोर से बताइए। हाँ, फिर क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? सिस्टर जी बताइए, ये लोग बता नहीं रहे। प्रभु के दर्शन पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने कुटिया में बैठ के आराम से प्रार्थना करना हालेलुया बोल के? हाँ, क्या करना चाहिए? जोर से बताइए, कोई एक खड़े होके बताइए। हाँ, जिस प्रभु के स्वाद मैंने लिया है, जिस प्रभु का आस्वादन मैंने किया है, उस प्रभु को सिर्फ मेरे लिए सीमित रखना नहीं होता, वो पाप होता है। जिस प्रभु को मैंने चखा, अनुभव किया, उस प्रभु के बारे में दूसरों को बताना मेरा फर्ज है। एक सुवार्तिक बनना हमारा फर्ज है, और यहां ये महिला ने यही करके दिखाया। उसको प्रभु के दर्शन हुआ और उसको मालूम हुआ कि मेरा पापमय जिंदगी किस प्रकार का था, और ये प्रभु के जरिए मेरे परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो उसने अपने गांव की तरफ भागी, गांव के लोगों को बताया कि जिस प्रभु के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जिस मसीह के इंतजार में हम लोग बैठे थे, उससे मेरी मुलाकात हुई, आओ उसके पास आओ, उससे मिलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बाध्य करता है, वचन हमें ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी हमें सौंप देता है कि जब हम प्रभु से मिलते हैं, प्रभु के दर्शन लेते हैं, प्रभु के जरिए हमारे पाप पूरा मिट जाता है, तो उस सुखद अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को प्रभु के पास लाए। अब यहाँ करीब 100-100 लोग बैठे हैं। आप बाहर जाके इस 3 दिन के शिविर के बाद जब आप बाहर जाओगे, अपने अपने गांव में जाओगे, तो अवश्य आप लोगों को यीशु की घोषणा करना होगा। क्या मंजूर है? कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है यीशु को घोषित करने के लिए, न केवल शब्दों से बल्कि अपने जिंदगी के साक्ष्य देते हुए?
हाँ प्यारों, प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन हमें बाध्य करता है कि जो अनुभव हमने लिया है, जिस प्रकार के दर्शन प्रभु के हमें हुआ है, उस दर्शन से प्रेरित होकर अपने जीवन के जरिए प्रभु को साक्ष्य देना, प्रभु के वचन की घोषणा करना, चाहे हमारे जान भी चले जाए, क्योंकि आजकल माहौल बहुत बिकट है, हमारे भारत के माहौल बहुत ही बिकट है। यीशु का नाम लेने में हमें डरना चाहिए, लेकिन हम नहीं डरेंगे। टूट जा सकते हैं हम, लेकिन हम झुक नहीं जाएंगे। टूट सकते हैं हम, लेकिन हम झुक नहीं सकते। इस प्रकार के हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु की घोषणा करें, प्रभु के साक्षी बने। उसके लिए आज इस मिस्सा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो मार्ग सत्य और जीवन है, तो अपनी शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस को के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो भला घड़ेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो गरीब और नम्र बना। हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तो अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुत्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को यह योग्यता पूर्वक स्वीकार करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। सब जन खड़े रहें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हे पिता, हम तेरा जय जयकार करते हैं। आज के सुंदर दिन के प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने ही हम सबको आज यहाँ एकत्रित किया, तेरे पवित्र वचन सुनने के लिए हमें एक मौका प्रदान किया, जिसके प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सर्व सृष्टि के चराचर के सृष्टिकर्ता है प्यारे पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तेरी कृपा की